अभी हम जा रहे हैं अपनी डेजी में चेन सेट डलवाने। ये देखो इसके सारे मतलब ज्यादा टूटी गए। चलो अभी हाईवे पे आ गए हैं, थोड़ा चेक करते हैं इसे। हाय हाय मजा आ गया भाई। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आप सभी का बड़े सिंह दोबारा स्वागत करता है एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आप सभी भाई लोग आए हो मस्त होंगे और मजे कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो गाइस जैसे हमने पिछले ब्लॉग में बताया था आपको कि हमारी ड्यूक 390 डेजी में जो चेन सेट है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब आवाज़ कर रहा है वो, और अराउंड 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा भी चल गया है। और इतनी ही लाइफ होती है एक चेन सेट की। तो अभी उसमें क्या हो गया कि मतलब ल्यूब वगैरह तो कर रहा हूँ बट उसमें ना थोड़ा आवाज़ आने लग रही है बाइक में चेन सेट की वजह से। तो हमने प्लान किया था कि हम चेन सेट डलवाएंगे, तो वो मैंने ऑर्डर कर रखा था तो वो हमें डिलीवर्ड हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी डेजी में चेन सेट डलवाने, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो पहले आवाज़ कर रही थी ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो इरीटेटिंग करती है यार बाइक में ना, छोटी मोटी भी आवाज़ आए ना तो एक इरीटेट सा करती है यार, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका चेन सेट डलवाते हैं। तो चेन सेट हमें मिल चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं शॉप पे। यही उड़की में मैं सोच रहा हूँ कि चेंज हो जाएगा, तो अभी जाते हैं शॉप पे जहाँ से मैं छोटा मोटा काम कराता हूँ मतलब बाइक में, तो वहाँ से हम कराने वाले हैं चेन सेट चेंज। तो अभी चलते हैं बाइक का चेन सेट चेंज कराने और देखते हैं कि जो हमने पहला वाला जो चेन सेट था वो हमने डलवा रखा था मतलब कंपनी से ही, जो कि KTM के शोरूम से मिलता है हमें। अभी हमने किसी और कंपनी का ऑर्डर किया है, उसकी एक बार परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि कैसे रहने वाली है। तो अभी हम उसको लगवाते हैं और एक बार चेक करेंगे कैसा परफॉर्मेंस रहने वाली है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस ब्लॉग में, तो ब्लॉग में बने रहना एंड तक, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी जल्दी से चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए चलो चलते हैं। तो गाइस निकल पड़े हैं चेन सेट चेंज कराने, और अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो चेन सेट की ना जो अभी जैसे पुराना हो गया है ना, तो जो अभी लग रखा है वो आवाज़ भी मतलब कर रहा है। देखो अगर सुनोगे आप ध्यान से आवाज़, तो खच खच ऐसी मतलब आवाज़ आ रही है उसमें ना चेन सेट में, और थोड़ा सा ना पावर में भी थोड़ा सा लग रही है मेरे को कि चेन सेट पुराना होने की वजह से ना पावर भी थोड़ा रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि कल जब मैं कॉलेज से आ रहा था, आपने पिछला वाला व्लॉग देखा होगा ना, तो इतना ज़्यादा मतलब एक कंपनी ले रही थी जो मतलब लेती है ना मतलब बढ़िया तरीके से, तो थोड़ा सा पावर वगैरह भी रिड्यूस हो जाती है देखो चेन सेट से। तो अभी सारा कुछ करा देंगे सही, इसका चेन सेट चेंज हो जाएगा ना तो इसकी आवाज़ भी बंद हो जाएगी और थोड़ा सा जो पावर में रिड्यूस लग रहा था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसको एक बार चेक भी कर लेंगे हम चला के चेन सेट लगने के बाद। तो अभी पहले चेंज कराते हैं, यहीं पे कराते हैं हम चेंज सेट। तो भाई ये रही हमारी शॉप जहाँ पे मतलब हम ज़्यादातर काम कराते हैं, क्योंकि यार ज़्यादा मिस्त्री ना देखो इतनी बड़ी बाइक ड्यूक 390 को काम कर नहीं पाते, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉर्मल जो काम वगैरह होता है वो करा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो चेन सेट भी चेंज कर देंगे, तो अभी चेन सेट चेंज कराते हैं। सो गाइस ये लग चुकी है हमारी डेजी यहाँ पे, और ये रहा हमारा चेन सेट जो कि लगने वाला है रोल ऑन का। पहले जो हमने लगवा रखा था वो लग रखा है अभी कंपनी का, बट अब ट्राई करेंगे रोल ऑन का, क्योंकि ज़्यादा जो चेन सेट है कंपनीज को भी जो प्रोवाइड करती है उनका मेन ब्रांड ही रोल ऑन है, तो रोल ऑन का ट्राई करने वाले हैं। और ये ब्रास वाला नहीं है, ये नॉर्मल है, तो इसका भी काफ़ी सही रहता है परफॉर्मेंस। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि जो चेन सेट लगवाऊँ इसमें वो लगवाऊँ ब्रास का, क्योंकि ब्रास वाले की क्वालिटी मैंने सुनी है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है चेन सेट की, तो उसको भी ट्राई करेंगे एक बार। तो अभी पहले इसी को लगवाते हैं। ये देखो पुराने वाला
चेन सेट, इसकी जो गरारी है इसके, ये देख सकते हो भाई, ये भी टूट गए थे और ये भी खोलने के बाद पता लगा, ये देखो इसके सारे मतलब ज़्यादातर टूट ही गए और ये नए वाले। सो गाइस फाइनली अपनी बाइक का चेन सेट लग चुका है और देखो कुछ चलाने में ना एक अलग ही फील आ रहा है। मतलब पहले क्या होता था कि मतलब थोड़ा ना दबी दबी सी चल रही थी बाइक, तो अब चेन सेट चेंज होने के बाद मतलब फ्रीली भाग पा रही है और थोड़ा जो पिकअप है वो भी अच्छा दे रही है। और अभी तो बाकी तो अभी हम कॉलेज जा रहे हैं, बाकी एक बार हाईवे पे चेक कर रहे हैं क्योंकि हाईवे वाले रास्ते से जा रहे हैं अंदर, रुड़की वाले रास्ते से नहीं जा रहे, बाईपास वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो थोड़ा सा चेन सेट चेक भी हो जाएगा, मतलब थोड़ा भगा के चेक कर रहे हैं किस तरीके का पिकअप दे रही है, परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। मतलब नॉर्मली एक चेक करने में तो पता लग रहा है, देखो अभी थोड़ा सा थ्रॉटल दिया, थ्रॉटल में मतलब ऐसा है कि पहले जो थोड़ा दब रखी थी बाइक, मतलब बीची बीची सी थी ना थोड़ी, तो वो थोड़ा खुल चुकी है अब, तो वो चीज़ तो फील हो रही है अभी। बाकी और चेक करते हैं हाईवे पे। चलो अभी हाईवे पे आ गए हैं, थोड़ा चेक करते हैं इसे। देखो लग तो रहा है पावर, मतलब पहले से ज़्यादा फील हो रही है क्योंकि थोड़ा फ्री हो गई ना बाइक, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है और थोड़ा पकाने में भी काफ़ी ज़्यादा देखो मज़ा आ रहा है। ये देखो मतलब पिकअप एकदम क्विक ले रही है, ये नहीं कि थोड़ा टाइम, पहले टाइम लगाती थी थोड़ा पिकअप लेने में, अब तो बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स है। ये देखो और एग्जॉस्ट साउंड चेक करो यार आप, कितनी प्यारी आ रही है। आए हाय मजा आ गया भाई। ओह माय गॉड भाई साहब, पटाखा सुना पर कितना जबरदस्त। तगड़ा ही पटाखा मारा हुआ है अभी। लो भाई अपना कॉलेज भी आ गया, पता ही नहीं लगा, मुश्किल से मेरे को लग रहा है रुड़की से आने में यहाँ तक 5 मिनट लगे होंगे, क्योंकि भाई मज़ा ही इतना आ रहा है यार भगाने में। मतलब जो रिस्पांस दे रही है ना भाई, क्विक रिस्पांस बिल्कुल एकदम, उसमें भाई मज़ा आ गया। मतलब जो क्वालिटी है भाई रोल ऑन के चेन सेट की, मेरे को तो देखो अभी तक अच्छी लगी, रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया भाई बाइक का, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। बाकी और जैसे जैसे हम चलाते रहेंगे और ज़्यादा पता लगता रहेगा कैसा रिव्यू रहने वाला है रोल ऑन के चेन सेट का। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करा है तो मेरा तो रिस्पांस देखो अभी तक काफ़ी ठीक है, जितना अभी तक मैं पैच चला के आया अराउंड 10 किलोमीटर के करीब चला ली होगी, क्योंकि रुड़की से कोयर कॉलेज अराउंड 10 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है, तो उतना भगा के आया तो काफ़ी ज़्यादा तो रिस्पांस तो देखो काफ़ी सही है अभी तक का।